गाइस, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और एक खूबसूरत दिन की मैं शुरुआत कर रही हूँ और बज चुके हैं सुबह के 10:30। और घर की मेरी हालत देखिए, बच्चे स्कूल और हस्बैंड अपने ड्यूटी पे जाने के बाद जो है मेरा घर का हालत कुछ इस तरह हो जाता है। आप लोग देख लीजिए, कुछ ऐसा रहता है मेरा घर का हालत। आप सबका होता होगा, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लग रहा आप सबका घर ऐसा होता होगा जैसा मेरा होता है। देखिए कितना फैला देते हैं सब। अभी आप लोगों को मैं पूरी घर दिखाऊंगी कैसे फैला पड़ा है। तो ये रही मेरी घर की लुक, देखिए किचन, ये रही देखिए किचन का हालत देखिए ऐसा। और आप लोगों को मैं नीचे से दिखाती जाऊंगी, जो सामान जहाँ से निकालते हैं वापस कोई नहीं रखता। देखिए यहाँ एल्बम्स में मेरे हस्बैंड देख रहे थे, देखिए यहाँ, देखिए स्टूल वहाँ से लाके यहाँ, और देखिए पंखे, ये पंखे है ना यहाँ रहती है, यहाँ से यहाँ तार में लग गया, पंखे का हवा ले लिया आनंद, बस यहीं छोड़ के चले गए। अब चलिए बढ़ते हैं कमरे की ओर। देखिए देखिए फ्रेंड्स, देखिए 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 देखिए। तो यहाँ पे हमने चूहे वाली वो लगा रखी थी ना, क्योंकि चूहे हो गए हैं पर लेकिन एक भी नहीं पकड़ में आया है। देखिए कि ऐसा हो जाता है मेरा रूम, हमारा घर का हालत देखिए। अब जा रही हूँ मैं, फटाफट से काम में लग रही हूँ और आप लोगों को मैं थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी ऐसा फैला घर को जो है मैंने कैसे ठीक कर लिया है। तो चलिए शुरुआत करती हूँ मैं पहले बेड से। हमेशा मैं शुरुआत किचन से करती थी लेकिन आज जो है मैं शुरुआत बेड से कर रही हूँ। तो देखा ना आप सब ने मेरा घर का हालत कैसा हो जाता है। और यहाँ पे मैं बेडशीट और तकिया का कवर चेंज कर देती हूँ। बच्चों का स्कूल इतना जल्दी है, सुबह 7 बजे स्कूल में पहुँचना है, मुझे ना बिल्कुल भी स्कूल का टाइमिंग सही नहीं लगता है। कितना जल्दी उठो, रात को लेट सोते हैं और एकदम 5 बजे ही उठना पड़ जाता है लंच वगैरह टिफ़िन बच्चों का तैयार करने के लिए। बच्चे भी परेशान हो जाते हैं, उठना नहीं चाहते हैं, बच्चों को नींद भी पूरी नहीं होती है। 8 साढ़े 8 तक का टाइमिंग सही है लेकिन पता नहीं क्यों 7 बजे ही स्कूल कर दिया गया है। तो काम वगैरह करने के बाद ना यहाँ पे मैं कपड़े धो रही हूँ। सेमी ऑटोमेटिक मशीन कहने को है, हाथ लगाना ही पड़ता है। अगर मशीन में ही कपड़े धो ना तो काफ़ी टाइम लग जाती है। तो यहाँ पे मैं बाल्टी में खंगाल के और ड्रायर कर देती हूँ। तो आज मैंने अर्णब का ड्यूटी लगाया है कपड़े लाने के लिए। जब बच्चे सतानी करे ना ज़्यादा तो ज़रूर उन्हें एक काम लगा दे। क्या है वो लाओ? देखिए अर्णव सारा लाए कपड़े लेके आओ। जब बच्चे शैतानी करे तो तुरंत उन्हें से काम लगा दे। और मैं यहाँ पी रही हूँ चाय। आप लोग से मैं मिलती हूँ शाम के टाइम में, सब्जी लेके आ गई हूँ। और ये ब्लॉग जो है ना शनिवार का है, तो शनिवार के दिन जो है हमारे यहाँ बाज़ार लगती है। तो मैं गई थी सब्जी लेने और देखिए ना यहाँ पे मैंने ना 3 बैगन उठा लाए। पहले मैं 2 बैगन एक जगह से खरीदी और एक जगह ना और बैगन अच्छा दिखा तो मैं ले ली। इस बैगन छोटी वाली बैगन को है जो मैं भरुआ बैगन बनाऊँगी। और पूरे सब्जी उठा लाई हूँ मैं। मैं यहाँ पे सब्जी निकाल रही थी थैले से ना, तो रिया आके देख रही थी मैं क्या क्या सब्जी लाई हूँ। तो कह रही थी बाज़ार में बस यही सब्जी मिलती है, लौकी, करेले, टिंडे, परवल, यही सब, कुछ और सब्जी नहीं मिलता। बच्चे ना इतने नखड़े दिखाते हैं हरी सब्जी में, इस सीज़न की सब्जी तो यही रहती है ना। और मेरे बच्चे ना ये भी कहते हैं कि भगवान ने ये तोरी, भिंडी, करेला क्यों बनाया, कुछ और सब्जी नहीं बना सकते थे। मुझे तो कभी कभी ना इन लोगों की बातों में ना बहुत ज़्यादा हंसी भी आती है।
पता नहीं आजकल के बच्चे क्या खाएंगे सब्जी में, बिल्कुल भी ना समझ में नहीं आती है। अगर करेला परवल बन गया ना जिस दिन, उस दिन दो सब्जी ज़रूर मुझे बनानी पड़ती है। क्या आप सबके भी बच्चे ऐसे करते हैं? मुझे लगता है सभी के बच्चे ऐसे करते हैं, शायद एक आध दो बच्चे ही होंगे जो सब चीज़ खा लेते हैं, सारी सब्जियाँ खा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में और बनाने जा रही हूँ भरुआ बैंगन। तो देखिए मैंने ये छोटी वाली बैंगन ले रखा है, इसको पहले मैंने धो लिया है और इसको ना पोंछ लेंगे और इसके जो डंठल के पास जो रहती है उसको हम काट लेंगे और बीच से एक कट लगाएंगे। अगर बैंगन थोड़ी सी बड़ी है ना तो मैं इसमें दो कट लगा देती हूँ और बैंगन को पूरा नहीं काटेंगे, केवल बीच से चीरा लगाएंगे। और छोटी बैंगन है तो इसमें बीच से चीरा लगा दूंगी। देखिए जैसे मैं काट रही हूँ उसमें मैं देख रही थी कीड़े हैं या नहीं, लेकिन एक बैंगन में ना मुझे कीड़े दिख गए थे, इसको मैं काट के हटा देती हूँ। और यहाँ पे मैं धनिया और सौंफ को जो है भून लेती हूँ। तो भरुआ बैंगन का मसाले यही रहता है, सौंफ और धनिया, और इसको ना भून लेंगे। जब खुशबू आने लगेगी तो हमें गैस को बंद कर देना है, जलाना नहीं है, और इसको ठंडा कर लेंगे और ग्राइंडर में दरदरा पीस लेंगे। एकदम दरदरा नहीं रखना है, ना ही इसको पाउडर बनाना है, तो मीडियम में रखना है। अब यहाँ पे मैं दाल चढ़ा देती हूँ और मैं मसाले पीस लेती हूँ बैंगन के लिए। तो यहाँ पे मैं ले रखी हूँ प्याज, लहसुन और लाल मिर्ची, बस इतना ही मसाला रहता है और कुछ नहीं मैं कुछ डालती इसमें। तो इस मसाले को भी ना हम बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाएंगे, दरदरा ही रखेंगे। अगर पेस्ट बना देंगे तो मसाला बिल्कुल पतला हो जाएगा और जब हम बैंगन में भरेंगे ना तो सारे मसाले जो है बाहर निकल आएगा। तो देखिए मैंने इस तरह से दरदरा पीस लिया है इसको। दोनों मसाले को मैंने प्लेट में डाल दिया है और इसमें केवल मैं नमक डालूंगी, मैं हल्दी नहीं डालती हूँ। हल्दी भी डाल सकते हैं लेकिन मैं नहीं डालती हूँ। और इसमें मैं निचोड़ दूंगी नींबू और इन सब को मैं मिक्स कर लूंगी अच्छे से, और कुछ भी नहीं डालेंगे। तो जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो गाय का आवाज़ इसमें रिकॉर्ड हो गया था, आप लोग इग्नोर कीजिएगा। और देखिए मैंने इसमें जो है नींबू निचोड़ दिया है, अब इन सब को ना मैं मिक्स कर दूंगी। कितना सिंपल तरीका है देखिए भरुआ बैंगन बनाने का। तो इसी तरह से मैं परवल भी बनाती हूँ, भिंडी भी बनाती हूँ इसी तरीके से। और ये तरीका जो है ना मुझे बहुत ही सिंपल लगता है और आसान भी है और झटपट बन भी जाती है और स्वादिष्ट भी बनती है। तो यहाँ पे देखिए बैंगन को, बैंगन के अंदर मैं मसाले भर रही हूँ और दबा दबा के मसाले को भरना है, इसीलिए हमने इसको दरदरा पीसा था ताकि पेस्ट के रूप में बाहर ना आए। तो ऐसे दबाते हुए हम इसे भर लेंगे और जब हम फ्राई करेंगे ना बिल्कुल भी मसाले बाहर नहीं निकलेगा, ज्यों के त्यों बैंगन के अंदर बना ही रहेगा मसाले, और ना ही इसे हम धागा से बांधेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने तेल रख दिया है और सारे बैंगन में मसाला मैंने भर लिया है, तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है और इसमें एक एक करके बैंगन में डाल देती हूँ। और जहाँ पे जिस साइड हमने मसाला भरा है ना उसको हम अभी ऊपर रखेंगे। मसाला निकलेगा लेकिन बहुत ही थोड़ी मात्रा में मसाला निकलेगा जब हम इसको उलट पुलट करेंगे ना तब। और एक बार में सारा बैंगन नहीं डालना है, यहाँ पे मैं चार बैंगन डाल दी हूँ और थोड़ा सा नमक डाल दी हूँ ताकि बैंगन जल्दी से सॉफ्ट हो जाए और पक जाए अंदर तक। और देखिए थोड़ा सा मैंने जो है फ्लेम को भी ना धीमा कर दिया है, गर्मी बहुत हो रही है, बीच में बर्तन भी मैं धो लेती हूँ। तो आइए आप सबको दिखाती हूँ। देखिए एक साइड पक गया है तो उसको ना मैं चक्कू के सहायते से ऐसे पलट लेती हूँ। आप कलछी से भी कर सकते हैं लेकिन चक्कू से आराम से हम पलट सकते हैं। देखिए बिल्कुल भी मसाला नहीं निकला, आप लोग देख सकते हैं। तो एक साइड जब पक जाएगा फिर उसको हम पलट देंगे। देखिए हमारा बैंगन का भरुआ बन के तैयार है, देख रहे हैं मसाला ज्यों की त्यों है अंदर और थोड़ी बहुत ही मसाला जो है बाहर निकला है। तो मेरा भरुआ बैंगन बनाने का तरीका यही है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। ऐसे वो मसाले को पहले भून के बनाते हैं ना, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा झंझट भी लगती है और उसका खाने में जो स्वाद ना उसका मसाले की बिल्कुल सब्जी जैसी लगती है, लेकिन इसकी स्वाद जो है ना कुछ हटके हो जाती है, बिल्कुल जो है ना फ्राई मछली जैसी भी लग रही है, बहुत यम्मी बनती है। आप लोग को मेरी अगर रेसिपी अच्छी लगी तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं ऐसे। तो ये वाली बैंगन जो मैं बनाती हूँ ना तो मेरे बच्चों की भी फेवरेट है, गर्मी बहुत हो रही है आज, बहुत उमस वाली गर्मी है तो बच्चों की फेवरेट है। मेरे बच्चे हरी सब्जी नहीं खाते हैं लेकिन ये वाली बैंगन जो है ना बहुत चाव से खाते हैं, बहुत चाव से। एक से दो दिन फ्रिज में भी रख देंगे तो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा क्योंकि मसाले में पानी नहीं है, प्लस बैंगन को भी हमने अच्छे से धो के पोंछ दिया था। तो दो से तीन दिन तक अच्छे से फ्रिज में रख के भी हम खा सकते हैं, पराठे के संग चावल के संग बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ये मेरा तरीका है बनाने का, बहुत अच्छी लगती है। और मैं हमेशा भिंडी भी ऐसे बनाती हूँ, अगर कभी परमल का बनाई तो वो भी ऐसे बनाती हूँ, लेकिन मैं करेले का नहीं बनाती, करेले बहुत कड़वे लगते हैं ना और कोई नहीं खाता करेले का। तो करेले का सिर्फ केवल मैं भुजिया बनाती हूँ। मेरा तरीका कैसा लगा आप लोग बताइए, ठीक है।
तो खाना रेडी हो गया, सबको परोस देती हूँ। और आज ना अर्णब को ये वाली प्लेट में खाने का मन हो रहा है, तो दाल बन गई है, रोटी और भरुआ बैंगन, साथ में मैंने चावल भी बनाया है। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग में अक्सर दाल चावल ही ज़्यादा दिखता है ना, तो हम गर्मी में दाल चावल ही ज़्यादा खाते हैं। तो गर्मी में दाल चावल सिंपल भी रहता है और हल्का भोजन भी है, तो सेहत के लिए अच्छा भी होता है। तो सबको मैं खाना दे देती हूँ और लग रही है बहुत ज़्यादा गर्मी, तो मैं बैठ के यहाँ पे पानी पी लेती हूँ। तो वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। होप आप लोगों को मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।